हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे अभी पीएसपीओ प्री 2017 में जो पहली शिफ्ट में नंबर सीरीज पूछी गई थी वो कौन कौन सी थी, यहाँ पे हम देखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो, आपको भी समझ में आ जाए और इसी पैटर्न पे आगे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली नंबर सीरीज की बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, 3240, 540, फिर 108, फिर 27, फिर क्वेश्चन मार्क और उसके बाद 4.5। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूँ जितनी नंबर सीरीज यहाँ पे देखने को मिली हैं, उसमें एक एक मेरे ख्याल से नंबर सीरीज है जो थोड़ा टफ हो सकती है आपके लिए, बाकी तो आसान थी। कैसे करेंगे, अगर आप देखिए यहाँ पे तो ये बड़ा नंबर आपको देखने को मिला है, बड़े से ये छोटा होता जा रहा है और काफ़ी यहाँ पे देखने को मिला है कि 3240 से सीधे 540 आ गया, फिर 540 से 108 आ गया, फिर 108 से 27 आ गया। तो यहाँ पे बीच में आपको जगह खाली मिल रही है, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ से आगे बढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा, आप 108 और 27 के बीच में देखिए क्या रिलेशनशिप बनती है, मतलब 27 में कितने का गुणा करके 108 आप पहुँच सकते हैं। तो आपको पता है 27 में अगर आप 4 का गुणा करेंगे, 7 चौक 28 और 4 दुनिया 8, और ये कितना मिल जाएगा, 108, डायरेक्ट मिल गया 108। यही काम आप देखिए आगे करिए, 540 के लिए 108 से क्या रिलेशनशिप मिलती है, यहाँ पे 4 का गुणा किया, यहाँ पे देखिए तो 108 है, 540 है, 5 से अगर गुणा करेंगे तो डायरेक्ट आपको 540 मिलेगा, यहाँ पे देखिए 540 है, आप डायरेक्ट 6 से गुणा करेंगे तो ऐसा मिलेगा। तो इस क्रम में अगर आप देखें तो जो गुणा है ये घटता जा रहा है हर एक क्रम पे। तो इसका मतलब क्या हुआ होगा कि यहाँ पे कितने का गुणा हो, जो नंबर यहाँ पे होगा उसमें कितने का गुणा हुआ होगा, 3 का, तो ये कितना मिला होगा, 27 का। तो आप ऐसे ही देख लीजिए, 27 को 3 से भाग दे दीजिए, कितना मिल जाएगा, 9। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ 3 का गुणा हुआ था तो यहाँ पे 2 का गुणा हुआ होगा, तो 4.5 × 2 कितना हो जाएगा, 9। ओके, ये तो थी पहली सीरीज, सही आंसर क्या होगा, 9। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ था 17, 98, फिर था 26, उसके बाद 89, फिर यहाँ पे 35 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो एक बार बढ़ रहा है घट रहा है, तो हम मैंने हमेशा आपसे कहा है कि जब भी ऐसा हो तो आप अल्टरनेट सीरीज को चेक कर लीजिएगा एक बार। 17 है और ये क्या है, 26 है, तो कितने का अंतर है देखिए, तो यहाँ पे अंतर आपको देखने को मिलता है 9 का। फिर 26 है और 35 है, कितने का अंतर है, तो यहाँ भी अंतर 9 का है। अब नीचे भी देखते हैं कुछ पैटर्न बनता है क्या। ये 98 है और ये 89 है, कितने का अंतर है, यहाँ भी देखिए यहाँ पे माइनस हो रहा है 9, प्लस नहीं माइनस हो रहा है 9। तो यही क्रम आगे भी यहाँ पे चलेगा, तो यहाँ भी आप -9 करेंगे तो कितना आंसर मिल जाएगा, 80 आंसर मिल जाएगा। तो ये आसान था। तीसरे क्वेश्चन में लिखा था 7 था, 4.5, उसके बाद 5.5। ये एक पैटर्न पे ये क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, बड़ा आसान सा होगा। ये 12 होगा, ये कितना होगा, 49 होगा, फिर ये क्वेश्चन मार्क। 7.7 से 4.5 कैसे ला सकते हैं, आपको पता है 0.5 से अगर गुणा करेंगे तो 3.5 मिलेगा और उसमें एक जोड़ देंगे तो 4.5 मिल जाएगा। 4.5 से 5.5 कैसे जाना है, 4.5 में एक का गुणा करिए और एक जोड़ दीजिए तो कितना मिल जाएगा, 5.5। फिर देखिए यहाँ पे एक जोड़ा, यहाँ भी एक जोड़ा, लेकिन यहाँ पे 0.5 था, यहाँ पे 1 हुआ है। आगे देखते हैं कि 5.5 में हम कितने का गुणा करें और जोड़ें कि 12 मिले। तो अगर हम इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 11 मिलेगा, 11 में एक जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, 12। एक एक हर जगह जोड़ रहा है, फिर 12 आ गया और क्या लाना है, 49। तो आप सोचिए कि कितने का गुणा करके उसमें एक जोड़ेंगे, तो 12 का 3 में गुणा करेंगे 36 मिलेगा, 2.5 में गुणा करेंगे तो और थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू आपको मिलेगी, 4 में जब गुणा करेंगे तो आपको 48 वैल्यू मिलेगी। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, दुगना हो रहे हैं वैल्यूज, मतलब × 2 यहाँ पे हो रहा है सब में, × 2 × 2 ये आपका चल रहा है। तो ये × 4 + 1 करेंगे तो कितना मिल गया, 49 मिल गया। तो 49 में अब आप क्या करेंगे, कितने का गुणा, 4 के बाद सीधे इसका × 2 करेंगे, 8 मिलेगा प्लस 1, ठीक है। तो ऐसे ही आप सोच लीजिए कितना हो जाएगा, ये 5 अगर यहाँ पे होगा तो कितना हो जाएगा, 400 होगा, लेकिन ये 49 है तो 49 होने की वजह से 8 इसमें से घटा दिए, 392 + 1 कितना हो जाएगा, 393। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 393। एक क्वेश्चन और इसमें था जो मैं बता रहा था कि थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है, वो क्या था कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ था 3 था, 5, 15, 45 और 113, और ये था क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे कैसे करना था इसको देखिए, तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते थे, 3 × 2 करेंगे, -1 करेंगे तो 5 मिलेगा, फिर 5 × कितना करेंगे, तो 5 × 3 करेंगे तो डायरेक्ट 15 मिल जा रहा है, 15 × 3 करेंगे तो डायरेक्ट 45 मिल जा रहा है, फिर से 45 से 113 जाने में ऐसा कुछ डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, तो कोई क्रम यहाँ पे ऐसा बन नहीं रहा था। तो हम क्या देख लेते हैं, इनका डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 2 का, यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 10 का, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 30 का, और 45 और 113 में कितने का डिफरेंस होगा, 13 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 8, 10 में से 4 जाएगा, ये 68 आ गया, ठीक है।
तो ये आपका डिफरेंस मिल रहा है। अब ये डिफरेंस भी कोई ऐसा लॉजिकल नहीं है, 2 गुणे में 5 किया 10 मिला, 10 गुणे में 3 3 करेंगे 30 मिलेगा, फिर 30 में गुणा कितने करेंगे 68 मिलेगा, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो आप क्या कर सकते थे, यही एक क्वेश्चन था मेरे ख्याल जो फंसा सकता था आपको। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि ये जो डिफरेंस था ये क्यूब वाला था। क्यूब वाला का मतलब, ये 2 का मतलब क्या था यहाँ पे, 2 का मतलब था 1 का क्यूब प्लस 1। 10 का मतलब क्या है, 2 का क्यूब प्लस 2। 2 का क्यूब करेंगे कितना मिलेगा, 8 प्लस 2 कितना, 10। इसी तरह 30 का मतलब क्या था, 3 का क्यूब प्लस 3। 3 का क्यूब 27 प्लस 3 30। इसी तरह 68 का मतलब क्या था, 4 का क्यूब प्लस 4। 4 का क्यूब करेंगे 64 प्लस 4 68। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, तो नेक्स्ट नंबर होगा 5 का क्यूब प्लस 5। तो 5 का क्यूब करेंगे तो कितना मिलेगा, 125 प्लस 5 130। 113 में 130 आप जोड़ेंगे तो कितनी वैल्यू मिलेगी, 243 ये आंसर आपको मिलेगा। तो ये आपका सही होगा। एक चीज और इसमें मुझे देखने को मिली थी, पता नहीं ये सही है कि नहीं, आप बताइए अगर आपने एग्जाम दिया होगा। क्या लिखा हुआ था, मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, लिखा हुआ था 2 17 89 और उसके बाद 349 फिर 1079। इसका आंसर क्या होगा आप मुझे बताइएगा करके, अगर ये सही है और आपने दिया है एग्जाम तो इसका आंसर क्या आपने निकाला है, ठीक है, एज अ होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आपके एग्जाम हैं तो इस सीरीज को आप लगा करके देखिएगा। तो ये थे नंबर सीरीज के क्वेश्चंस। इसके बाद मैं आपसे शेयर करूंगा कि आज का जो एग्जाम रहा उसका रिव्यू क्या था, कैसा पेपर आया था, लेवल क्या था उसका, कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, जिससे आपको पता चल सके कि इसका कट ऑफ किया जा सकता है या फिर कितने लेवल पे आपने क्वेश्चन किया होगा, तो आप सेफ जोन में हैं। सारी चीज़ मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा।